एक बार भारतीय जनता पार्टी की स्वस्थ सरकार बने। उस सरकार बनाने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ेगा, मैं किसी भी सूरत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करूंगा, प्रधानमंत्री जी के विचारधाराओं से जोड़ने का काम करूंगा। मुकेश सहनी इन दिनों कह रहे हैं कि मल्ला का वोट बैंक तो हमारे पास है, हम जिसको चाहेंगे उसी को पीएम बनाएंगे, तो क्या लग रहा है आपको? इधर जो है सहनी समाज का नेता बना दिया गया बिहार विधान परिषद के, वो तो टेस्ट करके लोग देख लिए हुआ है कि मल्ला के लिए जो है वो क्या क्या नुकसान पहुंचाए या फायदा पहुंचाए, वो पूरा हमारा मल्ला समाज देख लिए हुआ। वोट बैंक किधर? मल्ला का वोट बैंक अभी प्रधानमंत्री के साथ है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं कमलेश कुमार। जहां एक और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी मल्लाहों को लेकर के कहते रहे हैं कि मल्लाहों का जो है हम नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी बड़ा खेला करती है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हरी सहनी को बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरी सहनी, हम खुद इनसे बात करेंगे जिस तरह से ये जिम्मेवारी मिली है, क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, वहीं 2025 में विधानसभा चुनाव है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, इसे कैसे निभाएंगे, क्या कहेंगे सर? इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इसको कैसे निभाएंगे? इसका मात्र एक सूत्र है कि भैया सबसे पहले एक मल्लाह के बेटा को, मछली मारने वाले के बेटा को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इसके लिए अपने हम केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को तो धन्यवाद करते ही हैं, लेकिन साथ साथ पार्टी का जो अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है? जनता को सही शासन मिले, जनता को एक स्वच्छ सरकार मिले, तो तभी संभव होगा। जब स्वतंत्र सरकार बने, और बिहार में आज तक ये दिन कभी आया नहीं, पूरा यकीन है, विश्वास है कि जनता, जितनी जनता चाह रही है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की स्वस्थ सरकार बने, उस सरकार बनाने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ेगा, मैं किसी भी सूरत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा ताकत लगा के, और अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करूंगा, प्रधानमंत्री जी के विचारधाराओं से जोड़ने का काम करूंगा, ये मूल मेरा लक्ष्य होगा। सर, सवाल ये और रहेगा जिस तरह से मुकेश सहनी इन दिनों कह रहे हैं कि मल्ला का वोट बैंक तो हमारे पास है, हम जिसको चाहेंगे उसी को पीएम बनाएंगे, तो क्या लग रहा है आपको? इधर जो है सहनी समाज का नेता बना दिया गया बिहार विधान परिषद के। देखिए, उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, बोलूंगा भी नहीं। इससे पहले भी पूरे प्रांत भर के मल्लाह के बेटा उनके साथ रहे, और उनको जब सफलता मिली उसके बाद हम जो कहें कि भैया ये बल्ब हम खरीद के लाए हैं जो 100 वाट का है, लेकिन वो अंदाज करते हैं, लिखा हुआ है, लेकिन जब जलाएंगे तब तो पूरा पता चल जाएगा। वो तो टेस्ट करके लोग देख लिए हुआ है कि मल्लाह के लिए जो है वो क्या क्या नुकसान पहुंचाए या फायदा पहुंचाए, वो पूरा हमारा मल्लाह समाज देख लिए हुआ, इसलिए उनका बात मैं नहीं करूंगा। मल्लाह का वोट बैंक अभी प्रधानमंत्री के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राम जी के साथ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। ए वाह, तो पूरा मल्लाह कहने के। देखिए, जैसे कहते हैं हाथ में 5 उंगली है, सबका एक जैसा ये नहीं होता है, लेकिन जब सब मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, बुझते हैं। तो पूरे मल्लाह समाज, मतलब सतयुग द्वापर त्रेता, हर युग में धर्म के साथ रहा है, न्याय के साथ रहा है, देश के साथ रहा है, अभी भी मल्लाह भारतीय जनता पार्टी के साथ, अर्थात धर्म के साथ, न्याय के साथ है, इसके लिए हम लोग निश्चिंत है। और लीडर जो है, कुछ लोग तो लीडर तो स्वतंत्र है, जहां जाए जो करे, जिनके वो तो उनके विचार, लेकिन मूल रूप से निषाद समाज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है हरी सहनी, जिन्हें बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जहां एक ओर मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि मल्लाह समाज का वोट बैंक हमारे तरफ है, तो वहीं हरी सहनी ने भी कह दिया है कि जितने भी मल्लाह समाज हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, क्योंकि जिस तरह से राम को लाने की बात की है तो हम लोग का तमाम जो वोटर हैं वो मोदी के साथ है। वहीं जो नई जिम्मेवारी मिली है इसको लेकर के भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।